Hello, students. Welcome to the channel English 360. And today we are going to do story writing. So, story writing uh, is asked in CBC class 9 examinations. Till previous year, it used to be uh, a topic of 10th uh, class also. But this year, it has been removed. And this is a very important uh, topic of writing skills. So, what is story writing? A story writing is a creative writing skill involving narrating of real or imaginary events involving real or imaginary people. तो जैसा हमें पता है कि ये एक क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है जिसमें हमें अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करना होता है हमारी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है कि हम कैसे रियल या फिर इमेजिनरी जो है हम कह सकते हैं कि फ़िक्शन चीज़ों को यहाँ पे नरेट करते हैं और जितना ज़्यादा हम इंटरेस्टिंग बना पाते हैं उतनी ही ज़्यादा हमें इसके मार्क्स मिलते हैं तो आइए देख लेते हैं स्टोरी राइटिंग के अंदर जो है क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान बिफोर यू पेन तो मतलब आपको स्टोरी लिखने से पहले आपको अच्छी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है कि आपको सोचना पड़ेगा कि आप कितने उसमें कैरेक्टर्स यूज करोगे आप क्या प्रॉब्लम दिखाओगे उसका क्या सोल्यूशन किस तरह से आपका प्लॉट आगे बढ़ेगा आपको यू हैव टू यूज़ सिंपल नेचुरल डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज सिंपल नेचुरल लिखनी चाहिए और डिस्क्रिप्टिव का मतलब ज़्यादा आप एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स उसमें यूज़ करेंगे एंड नैरेटिव मतलब इट शुड बी इन अ नैरेटिव स्टाइल कि आप नरेट कर रहे हैं कहानी जैसा लगना चाहिए ऐसा नहीं कि कोई आर्टिकल है ये दैन इज इट कैन बी नायरेटेड फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन देखिए आप फर्स्ट पर्सन के तौर पर आप खुद हीरो बन सकते हैं खुद एक कैरेक्टर बन सकते हैं कहानी के ठीक है आप सेकेंड या थर्ड पर्सन के परस्पेक्टिव से भी अपनी स्टोरी को नायरेक्ट कर सकते हैं देन इज इंटरेस्टिंग बिगिनिंग या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट योर स्टोरी मस्ट हैव एन इंटरेस्टिंग बिगिनिंग टू एंगेज योर रीडर्स तो आप सबसे पहले या तो आप एक्शन से कोई शुरुआत कर सकते हैं या कोई सिचुएशन दिखा सकते हैं किसी कररेक्टर के साथ आप कहानी को शुरू कर सकते हैं या किसी सेटिंग या मूड से इन इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे बाद में देन इज़ डिवेल्प द नरेटिव लॉजिकली आपको उसके बाद एक बार कहानी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद जो नैरेटिव है उसको आगे प्लॉट को आगे बढ़ाना एक लॉजिकल तरीके से आप फॉरवर्ड भी जा सकते हैं लेकिन कई इंटरेस्टिंग केसेस में आप बैकवर्ड भी जा सकते हैं मतलब फ्लैशबैक्स होते हैं कई बार मान लीजिए कोई एक बच्चा जैसे हॉस्पिटल से उठा है अगर स्टोरी इस तरह से शुरू हो रही है और उसके बाद क्या हुआ उसके साथ तो वो फ्लैश में जाता है याद करता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ तो ये सब चीज़ें हमें हम बैकवर्ड जा भी एक स्टोरी को नैरेट कर सकते हैं उसके बाद वापस वो उसी पॉइंट पर आ जाता है इन द एंड The next point is an element of surprise. Uh, you have to keep your readers guessing. Then is uh, you have to develop characters and characterize them by way of describing their habits, dress up, and more important, most importantly, make them talk. आपको कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करने अपनी स्टोरी के अंदर ज़्यादा नहीं होने चाहिए ठीक है ज़्यादा कैरेक्टर्स कन्फ्यूज़ करते हैं एक स्मॉल स्टोरी के अंदर आपको उन्हें कैरेक्टराइज़ करना है ठीक है उनकी हैबिट्स के बारे में बताने का मतलब जैसे किसी का सिग्नेचर डायलॉग है ठीक है किसी के बारे में आप ये थोड़ा और डिस्क्रिप्टिव डिटेल दे सकते हो जैसे कि टॉल लैंकी फेलो ठीक है विद रेड कैप ठीक है एक ऐसा लड़का और, और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है आप जो है उन्हें आ, आपने कैरेक्टर्स को आप बातें करवाएंगे बातें करवाने का मतलब क्या है कि आप उनके डायलॉग्स को उसमें स्टोरी में इंक्लूड करेंगे ऐसा लगेगा जैसे डायलॉग्स अगर स्टोरी में हो तो कि जैसे एक रियल आपके सामने कोई पिक्चर चल रही है तो डायलॉग्स एक कहानी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं इन डायरेक्ट स्पीच के बजाय आप डायरेक्ट स्पीच में उन्हें यूज़ करेंगे देन इज एंड द स्टोरी विद अ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और लीव इट ओपन एंड इट टू मेक द इंटरप्रेट इट इन देयर ओन वे आपको एक कहानी को या तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के साथ एंड करना है मतलब कोई कॉन्फ्लिक्ट कोई प्रॉब्लम या कोई टेंशन अराइज होती है स्टोरी में वही कहानी के प्लॉट को आगे बढ़ाती है और लास्ट में वो टेंशन रिजोल्व हो जाती है या फिर लास्ट में कई बार कुछ स्टोरीज में ऐसा भी होता है कि उन्हें ओपन एंडेड छोड़ दिया जाता है मतलब कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व नहीं होता और ये रीडर्स पर छोड़ दिया जाता है कि वो उसे किस तरह तरीके से इंटरप्रेट करते हैं वो क्या सोचते हैं कि इसका एंड कैसे हो सकता था तो कुछ स्टोरीज ऐसे लिखी जाती है बट यू शुड प्रेफर टू यू नो गिव अ रेजोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट देन इज यूज पास्ट टेंस ओके एज फार एज योर स्टोरीज कंसर्न आपको पास्ट टेंस ही यूज़ करना है पास्ट कंटिन्यूस पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट अगर आपकी स्टोरी ज़्यादातर स्टोरीज पास्ट में लिखी जाती है हाँ डायलॉग्स आप प्रेजेंट में इंक्लूड कर सकते हैं प्रेजेंट में लिख सकते हैं क्योंकि डायलॉग्स का मतलब उसी टाइम वो चीज़ें बोली जा रही है ठीक है अदरवाइज मोस्टली आपकी स्टोरी पास्ट में लिखी जाएगी देन इज प्रोवाइड एज शूटेबल टाइटल आपको अपनी स्टोरी को एक अप्रोप्रिएट टाइटल प्रोवाइड करना पड़ेगा uh, कॉन्वे अ मैसेज थ्रू द स्टोरी इफ पॉसिबल दैट इज कॉल्ड थीम और आपकी प्लॉट तो होता है कहानी की स्टोरी थीम होता है कहानी क्या मैसेज देती है तो कोई मॉरल मैसेज या इस तरह की कोई चीज हो अगर पॉसिबल हो तो उसके थ्रू आप कॉन्वे कर सकते हैं देन इज एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी राइटिंग देखिए एलिमेंट्स क्या होते हैं एक स्टोरी के सबसे पहले होता है सेटिंग यू हैव टू प्रोवाइड अ सेटिंग सेटिंग का मतलब क्या होता है आपको बताना पड़ेगा कि टाइम क्या है ये टाइम का मतलब क्या ले सकते हैं आप कितने बजे हैं उसमें आप सीज़न भी इंक्लूड कर सकते हैं समर है विंटर है रेनी सीज़न है टाइम का मतलब सुबह का टाइम है दोपहर का शाम का टाइम है इवनिंग का है ठीक है और इसके साथ वेदर क्या है मतलब ठंडा वेदर है हॉट वेदर है प्लेस का आप बता सकते हैं प्लेस का आप ये बता सकते हैं कि वो प्लेस कौन सा है हिली एरिया है आ, वो रूरल एरिया है अर्बन एरिया है मॉल है अब फॉरेस्ट है तो इस तरह की चीज़ें जब आप स्टोरी में ऐड करते हैं तो स्टोरी को एक विविड डिटेल मिलती है मतलब ऐसा लगता है जैसे हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं स्टोरी को तो आप को ये आपको ये चीज़ें उसमें मैंशन करनी होगी ज़्यादा इसमें आपको वर्ड्स नहीं कंज्यूम करने हैं यू हैव टू गिव सेटिंग इन थर्टी टू फोर्टी वर्ड्स देन uh, इज़ uh, आपको जो है कैरेक्टर्स डिवेल्प करने हैं आपको लाइफ लाइक कैरेक्टर्स डिवेल्प करने ऐसा लगता है ऐसा लगे जैसे वो कैरेक्टर्स रियल हो आपके कैरेक्टर्स पीपल हो सकते हैं एनिमल्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं आप कोई घोस्ट भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा कैरेक्टर्स आपने यूज़ नहीं करने आपको मिनिमम टू या थ्री मैक्सिमम टू या थ्री कैरेक्टर्स और इवन फोर तक आप जा, जा सकते हैं इससे ज़्यादा कैरेक्टर्स यूज़ करेंगे तो कहाँ स्टोरी में कन्फ्यूज़न होगा और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेक तेम टॉक विद द हेल्प ऑफ डायलॉग्स रिटन इन द डायरेक्ट स्पीच आप चार से पाँच चार से पाँच डायलॉग्स तक यूज कर सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं करेंगे इससे क्या होगा स्टोरी को थोड़ा सा ऐसा लगेगा रियल लुक आएगा एक दैन इज़ प्लॉट प्लॉट क्या होता है कहानी की मेन जो स्टोरी होती है ठीक है कि इसमें लॉजिकल सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है जिससे जो कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ता है ठीक है कि क्या हुआ कब हुआ आप इसमें ये कह सकते हैं कि प्लॉट के अंदर आ, अगर हम सेटिंग में ये जवाब देते हैं कि वन एंड वेयर तो प्लॉट का ये होगा कि हाउ वाई एंड वट ठीक है तो प्लॉट के अंदर इन क्वेश्चन के आपको आंसर मिलते हैं और ये प्लॉट जो होगा मतलब उसके बाद क्या हुआ उसके बाद वो लोग कहाँ गए कैसे प्रॉब्लम अराइज़ हुई कैसे उन्होंने इसको सॉल्व किया ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड करते हैं तो प्लॉट आपकी आप जैसा भी इसे फॉर्म देना चाहें ये एक मजाकिया हो सकता है डरावना हो सकता है एडवेंचरस हो सकता है सस्पेंसफुल हो सकता है इट डिपेंड्स अपॉन योर क्रिएटिविटी एंड दैन इज़ देखिए प्लॉट के अंदर कैसे बात आगे बढ़ती है सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्टाइज़ होता है कोई प्रॉब्लम आराइज होती है फिर राइजिंग एक्शन होता है मतलब एक्शन जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को किडनैप किया जा रहा है और वो बच्चा बच बच्च के भाग जाता है तो उसको पकड़े जाने का डर है तो वो एक्शन क्या हो रहा है राइज़ हो रहा है क्लाइमैक्स तक मतलब उस बच्चे को पकड़े जाने का डर है या वो मारे जाने का डर है वो क्लाइमैक्स उसका हो जाता है फॉलिंग एक्शन का मतलब क्या है उसके बाद मतलब वो बच्चा बच बच्च जाता है और और वो और वो कहानी कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ती है और रेजोल्यूशन में जाके उस कहानी में क्या हो जाता है एक एंडिंग हो जाती है और मोर ऑफ ऑन द नोट दिस इज़ ए हैप्पी एंडिंग तो ये सब चीज़ें इसके अंदर होती है उसके बाद मूड एंड एटमोस्फेर आपको देखना पड़ेगा कि चेयरफुल है टेंस है स्केरी है मतलब उसके अंदर कॉन्टेक्सट भी आप उसी का उसी तरह का देंगे सेटिंग्स भी आप उसी तरह के देंगे मान लीजिए अगर आप दिखा रहे हैं कि ग्लूमी मूड है स्टोरी का आ, मतलब उसके अंदर निराशाएं हैं वगैरह हैं तो आप ऐसा दिखा सकते हैं कि जैसे कहीं पे सूखा पड़ा हुआ है वगैरह तो इस तरह की सेटिंग्स आपको आप उसमें यूज कर सकते हैं थीम अगेन मैंने आपको बताया कि जो मॉरल आइडिया या मेन मैसेज है वो थीम होता है स्टोरी का आफ्टर दैट द स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो टू राइट अ स्टोरी सबसे पहले आपको यू हैव टू स्टार्ट द स्टोरी इन एन इंटरेस्टिंग वे यू कैन कम अप विद द टाइम एंड सेटिंग आई मीन सेटिंग दैट मीनस टाइम एंड प्लेस के बारे में बता सकते हैं किसी कैरेक्टर के बारे में बता सकते हैं स्टार्टिंग में या स्टार्टिंग में ही कोई प्रॉब्लम आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिविटी उसके बाद आप करेक्टर्स डिवेलप करेंगे स्टोरी में उनमें मीनिंगफुल डायलॉग्स क्रिएट करेंगे कि वो आपस में बात करें ठीक है देन यू हैव टू सेट द यू नो यू हैव टू कम विद टाइम एंड यू कैन से प्लेस और आपको कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करना है स्टोरी को और इसके जरिए ही आप वहाँ का एटमोस्फियर बनाते हैं मान लीजिए हम ये कह सकते हैं कि देर वॉज ईयरी साइलेंस देर वॉज एन ईयरी साइलेंस ऑन ऑन अ कोल्ड नाइट तो ये ये बात हमें थोड़ा सा एक स्केरी एटमोस्फीयर क्रिएट करती है वहाँ पे कि इट वॉज़ लाइटनिंग नो बड़ी वॉज विजिबल इन द स्ट्रीट वगैरह तो इस तरह की चीज़ों से हमें क्या पता चलता है कि एक स्केरी एटमोसफियर हम क्रिएट कर रहे हैं तो हम अपने वर्ड्स के थ्रू एक पिक्चर क्रिएट कर देते हैं एंड डैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ए स्टोरी राइटिंग उसके बाद है कि हमें जो है कॉन्फ्लिक्ट्रिएट करना है कैरेक्टर्स के बीच में या करेक्टर्स या नेचुरल फोर्सेज के बीच में भी हम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट uh, कर सकते हैं इससे स्टोरी लाइन आगे बढ़ेगी कहानी का प्लॉट आगे डेवलप होगा आगे हमें स्टोरी को क्लाइमेक्स तो तक लेके जाना है और वो कॉन्फ्लिक्ट जो है उसे रिजोल्व uh, करना है ताकि कहानी कंक्लूड हो सके तो अभी देखिए फॉर्मेट और एग्जाम्पल इसका हैं इसके हैं है यहाँ पे कि हमें क्या दिया हुआ है कि एक, एक कुछ ये क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा जा सकते हैं हमें इनिशियल कुछ लाइन्स दी गई दी गई हो सकती है फो, थ्री फोर लाइन्स या हमें एक आउटलाइन दी गई हो सकती है इसकी तरह ये जैसे एक आउटलाइन दी गई है या कोई हमें विजुअल स्टिमुलस भी दिया गया हो सकता है मतलब एक पिक्चर दी गई हो सकती है और उसके बेसिस पे हमें स्टोरी लिखनी होती है तो ये कई तरीके के क्वेश्चंस हम हमसे पूछे जा सकते हैं तो ये इसमें एक आउटलाइन दी हुई है कि आ लिव एंड ओवल एंड जेनरस मैन ओली स्लेव ए डोड वगैरह आप इसे अगर पढ़ते हैं तो ये एक आ, मास्टर की कहानी है जिसके स्लेव्स थे और वो उनको काफ़ी खुश रखता था और एक बार डेवल ने क्या किया उसके एक जो स्लेव था एलेब को आप उससे अलग करने की उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश की और क्या वो उसमें कामयाब रहा या नहीं रहा इसके बेसिस पे ये कुछ स्टोरी आप इसे डेवलप कर सकते हैं तो इस तरह से हम कुछ इसका मैं आपको इसका एग्जांपल दे देता हूं कि ए विल एलोर्स बट कोड एंड ठीक है कहते बुराई हमें आकर्षित करती है लेकिन भगवान जो है वो क्या करता है लास्ट में सब कुछ सही कर देता है या हमें सही रास्ते पर ले आता है तो देर लिव इन द ओलन टाइम्स नोबल एंड जेंडरस मैन दिल्स ऑन देर मास्टर तो एक बड़ा ही दयाल वो नोबल आदमी रहता था पुराने टाइम में और जो जो उसके दास थे गुलाम थे वो अपने मास्टर पर बड़ा गर्व करते थे दे कंसिड हिम द बेस्ट मास्टर वो उसे सबसे बेस्ट मास्टर समझते थे क्योंकि वो उन्हें अच्छे तरीके से खाना खिलाता था और अच्छे कपड़े देता था पहनने के लिए द डेविल वॉज वैक्स टू हियर सच वर्ड्स ऑफ प्रेज फॉर द मास्टर और जो शैतान था उसको ये प्रेज उस मास्टर की सहन नहीं हुई वो उसे जेलस फील करने लगा ही गोट वन ऑफ द स्लेव एलब ऑन हज साइड तो उसने क्या किया एक जो स्लेव था उस मास्टर का जिसका नाम एलब था उसको अपनी तरफ मिला लिया ही टू अदर अगेंस्ट मास्टर एलब डिट द मिस चीफ तो उसने एलब को क्या कहा कि तुम और स्लेव्स को भी भड़काओ मास्टर के खिलाफ और एलब ने यह शरारत कर दी ही ट्राई टू प्रूव प्रूवर मास्टर वॉज गुड बिकॉज दे वर गुड टू हिम उसने क्या कोशिश अप्रूव करने की कोशिश किया एलब ने कहता कि हमारा मास्टर इसलिए अच्छा है क्योंकि हम भी अच्छे से पेश आते हैं ठीक है ही वुड रिपे एविल फॉर एविल एंड एक्ट डिफरेंटली इन सच सिचुएशन तो उसने क्या सोचा अलब ने कि वो ये प्रूव कर देगा कि अगर वो अपने मास्टर से बुरा बर्ताव करेंगे तो वो मास्टर भी क्या करेगा उनके साथ बुरा बर्ताव करेगा तब वो अच्छा नहीं रहेगा द अदर स्लेवोज एलब तो बाकी के स्लेव उन्होंने उन्होंने विरोध किया अलब का कि हमारा मास्टर ऐसा नहीं है एलब प्लस टू मेक द मास्टर एंग्री अलब ने कसम खाली कि मैं मेरे मास्टर को एंग्री बना के रहूंगा ठीक है कब तक वै उनको गुस्सा नहीं आता है मैं देखता हूँ द मास्टर वॉज वॉकिंग अराउंडलोजर शोइंग इज शोइंगेस्ट हिज यूज ऑन लैम्स तो मास्टर जो था अपने एनक्लोजर में जा रहा था यह भेड़ बकरियाँ वगैरह जो थे वो मतलब अपने गेस्ट को दिखा रहा था हेट स्पेशल अ ट्विस्टेड हॉन्ड रैम तो एक जो कोई जो भेड़ था मतलब एक जिसका हॉर्न ट्विस्टेड था उसके लिए मास्टर के दिल में काफ़ी मतलब आप ये कह सकते हो कि वो उसकी काफ़ी प्रेज करता था उसे काफ़ी अच्छा लगता था वो रैम जो था ही कंसिडर्ड इट प्राइसलेस और मास्टर समझता था कि ये बड़ा ही क्या है अनमोल है अलब रस्ट लाइक अ लॉयन अमंग द शेप ही सीज द लेफ्ट हिंड लेग ऑफ द रैम एंड जस्ट बिफोर इज मास्टर्स आई स्नैप्ड इट लाइक ए ड्राई ब्रांच तो उसने क्या किया अलब ने आ, भेड़ों के बीच में एक शेर की तरह वो दौड़ा और जाके उसने क्या किया उस जो फेवरेट जो रैम था मास्टर का उसकी आप पिछली लेफ्ट लेग को पकड़ा और अपनी मास्टर की आंखों के सामने उसे एक सूखी टहनी की तरह तोड़ दिया द रैम लेग वॉज ब्रोकन द विजिटर्स एंड द स्लेव्स क्राइड इन दिस में कि रैम की जो लेग थी वो टूट गई थी और जो वो विजिटर्स आए हुए थे जो बाकी के स्लेव्स थे वो निराशा में मतलब रोने लगे चिल्लाने लगे द डेविल वो सीटिंग अप इन अ ट्री और जो शैतान था ऊपर पेड़ पे बैठा हुआ था ही हैप्पी जॉब वेरी क्लेवरली और वो काफ़ी खुश हुआ कि किलब ने आखिर मास्टर की एलब ने अपनी जॉब जो है वो कर दी थी तो द मास्टर आईज ही लुक डाउन एट विद स्माइल ओ एलब योर मास्टर बेड यू एंगर मी बट माई मास्टर इज देन तो मास्टर ने क्या किया आसमान की तरफ अपनी आंखें ऊपर की और उसने एलब की तरफ स्माइल करते हुए देखा और क्या कहा अरे अलब तुम्हारे स्वामी ने क्या किया आ, उसने तुम तुम्हें मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कहा लेकिन मेरा स्वामी जो तुम्हारे स्वामी से ज़्यादा क्या है ताकतवर है और मैं तुमसे गुस्सा नहीं हुआ हूँ बल्कि मैं तुम्हारे स्वामी को गुस्सा दिलाऊंगा ही सेट अलब फ्री और उसने अलब को आज़ाद कर दिया द किंग मास्टर रिटर्न विद इज गेस्ट टू द हाउस तो जो मास्टर था सॉरी द काइंड मास्टर रिटर्न विद इज गेस्ट टू इज हाउस तो जो मास्टर था वो अपने आ, गेस्ट के साथ घर को लौट आया और द डेविल ग्रैंडिंग हिस्ट्रीज फैल डाउन फ्रॉम द ट्री दे और जो शैतान था उसकी ये जो चाल थी नाकामयाब रही और वो अपने दांत गुस्से में ग्राइंड करता हुआ पेड़ से नीचे आ गिरा तो देखिए इस तरीके से कहानी रोजगल तरीके से आगे बढ़ी है कि एक प्रॉब्लम अराइज़ आई अराइज़ हुई कि डेविल ने उसे एलब को भटकाने की कोशिश की और एलब ने ऐसा ही किया और उसके बाद एक अ, कंक्लूजन पे जाके वो स्टोरी एंड होती है इसमें हम और डिटेल ऐड कर सकते हैं इसमें ये भी थोड़ा बताया हुआ है कि मास्टर उनको जो गेस्ट को वो दिखा रहा था भेड़ बकरियाँ वगैरह ठीक है तो इस तरह का एक एटमोसफेर आप एक स्टोरी के अंदर क्रिएट करते हैं सो आई होप दैट You have uh, liked this video, you understood how to write a story. This question is for your practice. Okay, and uh, if you like this video, then please uh, like it, comment here, and uh, do subscribe my channel. Thank you.